स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम मैं ईशिका और त्रिभुवन भाई तीनों इंस्पिरेशन स्कूल गए हैं प्रिंसिपल सर से मिलने। तो अभी हम तीनों हॉल में सर की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कब हमें अंदर बुलाएं और हम सर को अपने पेपर बैंक के बारे में बताएंगे तथा पेपर बैंक का उद्देश्य क्या है ये बताएंगे। तो पेपर बैंक का दोस्तों उद्देश्य यह है, गरीब बच्चों की मदद करना है और जो बच्चे कापी नहीं खरीद सकते या किताबें नहीं खरीद सकते तो हम लोग उन गरीब बच्चों को कापी किताब डोनेट करेंगे एनएसएस की ओर से। तो अभी हमारी एनएसएस टीम पूरी लगी हुई है पेपर बैंक कलेक्ट करने में। इससे पहले हमने बीएड डिपार्ट एमबीबीजी कॉलेज से पेपर कलेक्ट किए थे जिनके अभी कापियाँ बनाना बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉपर बच्चे हैं उनकी फ़ोटो स्क्रीन पर आ रही है बार बार। तो फाइनली सर की कॉल हमारे लिए आ चुकी है, अब हम सर से मिलने जा रहे हैं। मुझे नवंबर दिसंबर जनवरी में एक बार याद दिलाएंगे, तब मैं बहुत सारी कॉपी इकट्ठी करके रखूंगा। मैं तो एक मैसेज देना है मुझे, हाँ हिंदी का एग्जाम का एक बच्चे का एग्जाम होता जाए, वो अपनी कॉपी जमा करते जाए, तो आपको जो करना ना पड़ेगा। हाँ वही मेरा मतलब है कि इतना हो जाएगा कि उस टाइम पे ज्यादा आपको मिलेगा, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब एक कॉपी भी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉपी नहीं बनाई है बच्चों ने, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो कैसे वो कॉपी दे देगा। और स्कूल में बाकी बच्चों के अलावा तो इतना कोई मैसेज होता नहीं है, ठीक है, पुराने रजिस्टर वगैरह होते हैं तो, लेकिन वो इतने ऐसे नहीं होते ना, वो तो जब टीचर्स वगैरह तो तब तक यूज करते हैं जब तक तो लास्ट पेज तक नहीं पहुंच जाते। बच्चों का ये कि भाई कॉपी भरी यहाँ तक की भरी, बाकी अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज चले गए तो छूट जाता है उसको। आप तो दोस्तों सर से मीटिंग समाप्त हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। सर ने कहा कि आप हमें नवंबर दिसंबर या जनवरी में याद दिलाएं, हम आपको 4,000 से 5,000 कापियाँ डोनेट कर सकते हैं। तो अब हम सर के पास सीधा नवंबर दिसंबर में मिलेंगे। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास पुरानी कापियाँ बची हैं जिनके पीछे अभी पेज हैं या पुरानी किताबें, आप हमें डोनेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।